हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेई मेन 2024 में पूछे गए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, लेट द सेट सी इक्वल टू ऑर्डर पर एक्स कॉमो वाई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू टू द पावर वाई इक्वल टू 2023 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। दैट मीन्स एक्स कॉमो वाई जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, देन हमको समेशन ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है ताकि एक्स कॉमो वाई बिलोंग्स टू सी है। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है एक्स कॉमो वाई, एंड वो सॉल्यूशन का सम निकालना है हमको। क्या होगा सम सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस टू टू द पावर वाई इक्वल टू 2023। इसको रीअरेंज किया जा सकता है, टू टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2023। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इवन, लेफ्ट हैंड साइड इवन, राइट हैंड साइड का ये ऑड है तो ये भी ऑड होना होगा। राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर मस्ट बी ऑड, एक्स स्क्वायर ऑड होने से क्या होगा, एक्स इज ऑड। तो ये जो एक्स है ऑड होना होगा। अब क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर और कुछ सम लिखेंगे जहां में इवन आएगा। एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस दिस इज ऑल्सो ऑड, इसके पास वाला एक परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे 2023 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस और माइनस बी लिखेंगे। जहाँ पे ये इवन होगा वो इवन को इस ओर लाएंगे, तो इस साइड इवन होगा उस पर उस साइड में दो ऑड का स्क्वायर का डिफरेंस होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फिर हम एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए लिखेंगे जहाँ पे दोनों इवन है, ये दोनों इवन है। फिर लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या होगा, ए बी को यहाँ लाने से क्या होगा देखते हैं। सो टू ज़ीरो टू थ्री का पास वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2023 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2023, 4 बार देंगे, 4 जा 16 हो गया 4 2 3। अब इसको डबल करना है 8 8 4 4 8 32 33। 5 टाइम्स नहीं होगा, 85 5 25 हो रहा है, सो 44 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हमको ऑड चाहिए, यहाँ पे हम ऑड लिखेंगे तो फिर 45 स्क्वायर, 2025 लिखेंगे, 2 to the power y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2025 प्लस 2, तो इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर। हमको यहाँ पे दोनों ऑड चाहिए, 44 इवन है तो उसको ऊपर चला उठा दिया, नीचे भी आ सकते हैं उसमें भी नो प्रॉब्लम, उसमें भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने से 2 to the power y माइनस 1 माइनस 1, और इसको फैक्टराइज करने से x प्लस 45 एक्स माइनस 45 इक्वेशन। ये रिलेशन से हमको क्या मालूम होता है, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली टू इज अ फैक्टर, 4 फैक्टर नहीं है, 2 स्क्वायर इज नॉट ए फैक्टर। सो 2 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर नहीं है, तो इधर में भी 2 स्क्वायर फैक्टर नहीं हो सकता है। तो फिर ये इवन है, ये भी अगर इवन हो तो ये रिलेशन नहीं हो सकता है, बट डिफरेंस इवन ही होना है। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 2 इज ए फैक्टर, वाई का कुछ भी वैल्यू नेचुरल नंबर में लेने से 1 लेने से 0 आएगा, वो पॉसिबल है। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन का 2 एक ही मात्र फैक्टर है,
इधर यहाँ पे तो टू फैक्टर होगा ही होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से फैक्टर टू नहीं आना है, मतलब ये कितना होना है, ये ज़ीरो होना है, दैट मीन्स एक्स माइनस 45 हैज़ टू बी ज़ीरो। अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो यहाँ से एक इवन फैक्टर आएगा, तो दो फैक्टर दो बार आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में दो फैक्टर नहीं आ सकता है। इसी प्रकार राइट हैंड साइड ज़ीरो हो चुका है, ये ज़ीरो होगा तो इधर में भी ज़ीरो होना है, दिस इज़ ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो है देन दिस मीन्स ये भी ज़ीरो होना है, राइट हैंड साइड ज़ीरो होगा, लेफ्ट हैंड साइड नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो होगा तो टू टू द पावर वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू 45 मिल रहा है, यहाँ से y का वैल्यू 1 मिल रहा है, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ये इक्वेशन का, तो x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट मीन्स 45, 1 इज द ओनली पेयर बिलोंग्स टू c, तो c में 45, 1 ही होगा, तो sum of x plus y is equal to 45 + 1 equal to 46, तो फिर ये sum 46 होगा। सिमिलर आइडिया वाला एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम है, सो दैट द इक्वेशन x square minus y square equal to 302 has no solution in integer, तो ये इक्वेशन का इंटीजर में सॉल्यूशन नहीं है, हमको ये बोलना है सॉल्यूशन x square minus y square equal to 302, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x plus y, x minus y equal to 302, अब ये जो 302 है 2 into 151 है, 2 into 151 ये इवन ये ऑड, अब हम x and y को हम देखेंगे, x and y चार पॉसिबिलिटी है, नंबर वन इवन इवन, नंबर टू इवन ऑड, नंबर थ्री ऑड इवन, नंबर फोर ऑड ऑड, अगर दोनों इवन है, एक्स एंड वाई आर बोथ इवन, तो एक नंबर केस में इवन इनटू इवन, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, फोर इज ए फैक्टर, फैक्टर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड में फोर फैक्टर नहीं है, तो ये केस नहीं हो सकता। केस नंबर टू में इवन ऑड, अगर एक्स इवन है वाई ऑड है, इवन ऑड, तो दिस इज ऑड, इवन ऑड दैट इज ऑड, ऑड इन टू ऑड इज ऑड, लेकिन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज नॉट ऑड, तो इस प्रकार का सेकंड केस, इस प्रकार सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, इस प्रकार भी नहीं हो सकता, इस प्रकार भी नहीं हो सकता है। केस थ्री वाले ऑड एंड इवन, अगर एक्स ऑड ये इवन, ऑड प्लस इवन इज ऑड इनटू ऑड, ऑड इनटू ऑड ये भी ऑड है, ऑड ऑड, ऑड इनटू ऑड इज ऑड, लेकिन राइट हैंड साइड इज नॉट ऑड, तो नहीं हो सकता, ये थर्ड वाला केस भी नहीं हो सकता है। फोर्थ वाला केस दोनों ऑड होने से ऑड 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 इनटू ऑड ऑड होने से, दोनों ऑड होगा तो एक्स प्लस वाई इज इवन एंड एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो इवन, दोनों इवन होगा तो फोर इज ए फैक्टर, फैक्टर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड में फोर फैक्टर नहीं है, तो एक्स का वैल्यू इवन भी नहीं हो सकता, ऑड भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, एक्स इज नाइदर ऑड नॉर इवन, सेम इज द केस फॉर वाई, देयरफॉर ये इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस, दैट मीन्स ये इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।